हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बंधन बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2.72 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 1% से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 208.41 रुपए पर ट्रेड कर रहेगा। स्टॉक आज के दिन ओपन होता है 210 रुपए पर और स्टॉक हाई लगाता है 214.60 रुपए। अपने हाई से देखें तो स्टॉक लगभग 6 रुपए की गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक का आज के दिन का लो है 206.16 रुपए। अपने लो से देखें तो स्टॉक ने लगभग 2 रुपए की रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। स्टॉक के अंदर वॉल्यूम की बात करें तो बायर क्वारंटी नंबर ऑफ शेयर्स में है 16,27,217 क्वारंटी, तो वहीं पर सेल्स क्वारंटी है 45,95,387 क्वारंटी। यानी बायर्स के मुकाबले सेलर्स के नंबर देखें तो लगभग 3 गुने के पास देखने को मिल रहे हैं। और वहीं पर अगर हम ट्रेड वॉल्यूम की बात करें नंबर ऑफ शेयर्स में तो लगभग 2,41,52,000 क्वारंटी देखने को मिल रही है। यानी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम की मात्रा देखें तो काफी बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। वहीं स्टॉक के प्राइस में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहेगा, जिससे साफ पता लगता है कि इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के अंदर रिटर्न्स की बात करें तो पीछे के 1 सप्ताह के अंदर 1.5% की गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं 1 महीने के अंदर 6% की तेजी, 3 महीने में 9% की तेजी, परंतु 6 महीने में 18% की गिरावट, 1 साल में 12%। यानी जिन निवेशकों ने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म से बाय किया है उन्हें तो काफी ज्यादा लॉस होता हुआ नजर आ रहेगा, पर पीछे के 3 महीने से इस स्टॉक के निचले लेवल पर एक रिकवरी आती हुई देखने को मिली है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में जो नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 280 रुपीज पर है। स्टॉक का अभी थोड़ी देर पहले जो हमने आपको चार्ट पैटर्न दिखाया वो गलती से कैंपस एक्टिवेयर का था, अब बंधन बैंक का चार्ट पैटर्न देख रहे हैं हम। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट लेवल है वो 200 रुपीज पर है। जो येलो कलर के आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉक ने लगभग 3 टाइम सेम प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद स्टॉक में निचले लेवल पर एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। ऊपर स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 214 रुपीज पर। स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे पा रहेगा, ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक दबाव देखने को मिल रहा है। अब जब तक स्टॉक 200 रुपीज से तो ऊपर रहता है तो वहां पर तो स्टॉक में एक तेजी देखने को मिलेगी। ऊपर एक बार स्टॉक 214 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है तो वहां पर तो स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पर जब तक स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं देता ऊपरी लेवल पर एक दबाव देखने को मिलेगा। और अगर स्टॉक नीचे में 200 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो स्टॉक का जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो 190 रुपीज के एवरेज में बनता हुआ नजर आएगा, जो कि इस पॉइंट पर स्टॉक का दूसरा सपोर्ट लेवल आएगा। यहाँ पर भी स्टॉक ने पहले भी 2-3 बार इस प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिला था, तो सेम ऐसा ही पैटर्न अब ऊपर लेवल पर बन रहेगा। ऊपर स्टॉक 214 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के टारगेट अराउंड 235 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।